हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक और बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको पता ही है, हमने ये सीरीज पूरी शुरू की है जिसमें आपको किराना आइटम्स और टॉफी के बारे में एक ही दिन में 2 से 3 वीडियो मिलने वाली है जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सको। दोस्तों 2023 आ गया, अभी भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस मैं लेके आया हूँ। ये पूरी सीरीज शुरू करी है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में पता चले, जितने भी प्रोडक्ट है सबके बारे में पता चले कि क्या किस रेट में मिलता है, किस रेट में बिकता है, क्या प्रॉफिट है, सब कुछ पता चलेगा। पर इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप उस बिजनेस को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तब भी उस वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, इन चीजों को कहीं और इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको पता होता है कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ बेच सकते हो। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप मार्केट में सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसमें आपकी पूंजी भी ज्यादा नहीं लगेगी। अगर आप इनका एक कट्टा लेते हो तो आपको 1250 रुपए का मिल जाएगा और उस एक कट्टे पे आपको 250 रुपए का मार्जिन होगा। तो दोस्तों मैं आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है सतमोला का बिजनेस। दोस्तों ये सतमोला का पाउच है। ये पाउच आपको मार्केट से, अगर आप इसका एक कट्टा लेते हो, 100 पीस का आपको कट्टा मिलेगा। उस कट्टे के अंदर इस तरीके के 100 पैकेट होंगे। एक पैकेट के अंदर 20 रुपए का माल है। 20 रुपए का मतलब 2 लड़िया है 10-10 पीस की, ठीक है। इसके अंदर सतमोला मैं आपको फाड़ के दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे क्या है और आपको किस तरीके से सेल करना है। ये देखिए इस तरीके की लड़ी है इसके अंदर सॉरी ये देखिए इस तरीके की लड़ी है, 2 लड़िया है दोस्तों, ठीक है। ये 10 रुपए की मतलब 1 रुपए एक बिकता है, एक पैकेट 1 रुपए एक बिकता है। इसके अंदर 6 गोलियां होती है, टोटल 6 गोलियां होती है, ठीक है। अब आपको इसे मार्केट में, जो ये एक पैकेट है, एक पैकेट को आपको मार्केट में 15 रुपए में सेल करना है। 20 रुपए का माल है, 15 रुपए का पैकेट आपको दुकानदार को देना है। अगर आप पूरा कट्टा लेते हो तो ये आपको 1250 रुपए का मिलेगा, मतलब 1200 रुपए का आपको पूरा कट्टा मिलेगा, एक पैकेट 1250 रुपए का। आप बेचोगे 15 रुपए में, आपको जो प्रॉफिट होगा एक पैकेट पे 250 रुपए का होगा। अब मेरे बहुत सारे भाई सोचेंगे कि ये 250 रुपए का भी क्या मार्जिन है। दोस्तों ये भी तो सोचिए, लगाया कि आपने 20 रुपए लगा के 250 रुपए आपको मिल रहे हैं, 20 रुपए लगाने पे तो कितना अच्छा प्रॉफिट है, इस कैलकुलेशन निकाल के देख लेना बेशक। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके का बिजनेस करोगे तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। ये आप प्रोडक्ट मार्केट में जब जाओगे तो आप एक प्रोडक्ट लेके जाओगे तब भी आपको उतना ही खर्चा लगना है, आप 4 प्रोडक्ट साथ में ले जाओगे तब भी आपको उतना ही खर्चा लगना है। बस इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब एक दुकान पे जा रहे हो, अगर उस दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट जो आप लेके गए हो, एक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है, तो वो बोलेगा नहीं इस बार है, अगली बार आना। अगर आपके पास एक साथ 4 प्रोडक्ट है, मान लो आप वाला एक प्रोडक्ट उसके पास है तो बाकी 3 तो दिखा सकते हो ना, क्या पता तीनों में से एक ले ले तो सेल तो हुई ना हमारी। तो यही बेनिफिट होता है दोस्तों जब हम मार्केट में जाना होता है, दुकान पे जाना होता है, वहां मल्टीपल पैक वो प्रोडक्ट रख सकते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है और हमारा खर्चा भी बढ़िया तरीके से निकल जाता है और जो कस्टमर है वो हमारा एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है, एक गुडविल बन जाती है, उसको ये पता रहता है ये प्रोडक्ट हमारा वो बंदा लेके आता है, तो वो आपका वेट भी कर सकता है। जिस दिन आप मार्केट करने जाओगे उस दिन तक वो आपका वेट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। देखो मार्केट में एक दिन में आप सोचो मैं एक दिन में फुर्तेजी से सारा माल बेच दूं, ऐसा नहीं होता है। आप नए हो तो आप मार्केट में जाओगे, आपको दुकानदार मना करेंगे क्योंकि हर किसी से दुकानदार पहली बार में नहीं लेता ना, वो धीरे धीरे करके जब रेगुलर जाओगे तभी वो लेगा। समझ में आई ना। ये चीजें आपको किसी भी होलसेलर से ले सकते हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले सकते हो, लेके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आपके नियर बाय में डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बस पता करने की जरूरत है। किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लो, उससे किसी और दूसरे का लिंक से लिंक बिड़ा के आप डिस्ट्रीब्यूटर का भी पता लगा सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। जब करने चलोगे तो सब हो जाएगा। समझ में आ गई ना भैया। किसी कंपनी के सेल्समैन को पकड़ लो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप मिल जाएंगे।
बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।